हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बिल्कुल न्यू फ़ोन जो है कि रेडमी 12, जो कि रेडमी की तरफ से आने वाला फ़ोन है। और यहाँ पर है 5G फोन, रेडमी 12 5G। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोन को मैंने लगाया है लॉक, और लॉक लगा है तो मैं आपको खोल रहा हूँ तो खुल नहीं रहा है। मैं जानबूझ कर लॉक गलत लगा रहा हूँ ताकि ये खुले ना। इसका मतलब है कि फ़ोन डिवाइस इज लॉक, फ़ोन लॉक हो चुका है। अगर आपका फ़ोन भी इसी तरह से लॉक हो चुका है तो आप अपने फ़ोन को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हालांकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसलिए मैं अपने बिल्कुल नए फ़ोन पर आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ। हमारा काम है कस्टमर का फ़ोन अनलॉक करके देना, फिर भी मैं आपको हर नया वीडियो नए फ़ोन के साथ बनाता हूँ, कस्टमर का फ़ोन मुझे बहुत कम बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरे पास बिल्कुल नया रेडमी 12 5G है। अभी मैं खोलूँगा इसको तो खुल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह से रिसेट करने का ऑप्शन बोल रहा है, और बोला है कि पावर ऑफ कीजिए पावर बटन से, वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन के साथ दबाइए तो वाइप डाटा का रिकवरी फोन में ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। तो क्या करना है, सेम बोल रहा जैसा ऐसा हमें करना है। यहाँ पर देखिए नए फ़ोन में बिल्कुल पावर बटन दबाने से असिस्टेंट खुलता है, तो आपको पावर अप बटन एंड पावर बटन दोनों एक साथ दबाएंगे। जैसे दबाएंगे तो पावर मेनू आ जाएगा, पावर ऑफ करने का ऑप्शन ऊपर, नीचे करने पर स्टार्ट, तो आपको ऊपर करेंगे पावर ऑफ फोन हो जाएगा, यहाँ से बंद, फ़ोन को कंप्लीट बंद होने का इंतज़ार कीजिए। 10 से 15 सेकंड वेट कीजिए, इसके बाद 10-15 सेकंड जैसे हो जाता है तो आपको फिर से वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन जो है कि आपको यहाँ से है, देखिए वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन, तो आपको वॉल्यूम अप बटन पहले दबाना है एंड पावर बटन बाद में। अब आ गया, अब आप MI आ गया, पावर बटन छोड़ दीजिए, एक सेकेंड के बाद वॉल्यूम अप बटन भी छोड़ दीजिए, दोनों बटन कुछ देर के अंतराल में छोड़ दीजिए। नहीं हो उधर आगे चल जाए गेट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मेन मेनू आ गया MI रिकवरी 5.0। यहाँ पर पहले है रिबूट का ऑप्शन, दूसरा है वाइप डाटा, तीसरा है कनेक्ट विथ MI असिस्टेंट। तो आपको वाइप डाटा पर जाना है एंड यहाँ पर देखिए फिर से आप जाके, तो वाइप डाटा आपको वॉल्यूम अप डाउन से जाना है, वाइप डाटा पर पावर बटन से ओके करना है एंड यहाँ पर नीचे फिर से वाइप डाटा है, यहाँ पर आपको करना है क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है कन्फर्म पर और पावर बटन से ओके कर देना, फोन फॉर्मेट होने लगा, बैक टू मेन मेनू फिर से ओके करना है, फिर पावर बटन ओके करना है, रिबूट सिस्टम पर फिर से पावर बटन ओके कर देना है, हमारा फ़ोन बंद होकर खुलने लगेगा। जैसे बंद होकर खुलेगा आपको इसका हेलो स्क्रीन पर आ जाएगा, तब इसका सेटअप कर देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप कोई भी फ़ोन को अनलॉक करें तो सुनिश्चित करें कि आप अवैध फ़ोन ना हो, फ़ोन वैलिड हो। तो हम जो है कि बिल्कुल नए फ़ोन के साथ ट्राई कर रहे हैं, तो हमारा फ़ोन वैलिड है, क्योंकि किसी और का नहीं, मेरा ये खुद का या खुद के जान पहचान वालों का है। तो चलिए इसे खुल ले देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है कि खुल चुका है हेलो स्क्रीन पर MI वाई वर्जन पर। यहाँ पर करना है क्या, हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल नया फ़ोन है, इसमें सिर्फ लॉक लगाया था मैंने, इसमें कोई भी गूगल सर्विस वगैरह भी इसमें कोई नहीं चल रही, इसमें कोई ईमेल आई डी वगैरह नहीं है। तो अभी हमारा फारपी लॉक नहीं शो कर रहा है, यानी आप कॉर्नर में लॉक शो नहीं कर रहा है, हमसे वेरीफाई अकाउंट नहीं कर रहा है। तो हम इसको करते जाएंगे, यहाँ से स्किप करने का ऑप्शन है, नेटवर्क को गेटिंग योर फोन रेडी, थोड़ा सा वेट करना है। हालांकि इंटरनेट इसमें हमारा खुला हुआ है तो थोड़ा समय लगेगा,
जस्ट ए फ्यू सेकेंड, अब हमें आप कर देंगे वापस से या डोंट कॉपी, आगे बढ़ते हैं कुछ चेकिंग इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन इन का आ गया, वेरीफाई अकाउंट नहीं आया, स्किप करना है सीधा। और यहाँ पर हमारा गूगल सर्विस आ गई, यहाँ से एक्सेप्ट करना है। स्क्रीन लॉक स्किप कर देते हैं, चाहे तो आप स्क्रीन लॉक यहीं पर लगा सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करना है, स्किप करते हैं एंड यहाँ से फाइनली प्रिपेयरिंग सिस्टम, जस्ट ए सेकंड, थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ से हमें जो है कि गेट स्टार्टेड यानी फिनिश सेटअप करना है, थोड़ा सा वेट करने के बाद सेकंड वेट करना है। हालांकि ये टाइम यहाँ पर सेटअप कंप्लीट, जैसे ही ये करेंगे यू आर रेडी टू रॉक, यहाँ से जैसे इसको करेंगे क्लिक, हमारा फ़ोन 5 सेकंड के अंदर खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा फ़ोन खुल गया है और आप देखेंगे कि हमने जो फॉर्मेट करने के बाद इसे सेटअप कर दिया और इसमें कोई भी लॉक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेट टेक करें, बाय बाय।